ओए आवाज मत करो, शांति बना के रखो। बिल्कुल बिल्कुल शांति से, दो मिनट सब शांति रखो। अरे वापस करो, रैली काटो इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी हम लोग जैसे ही आए और यहाँ पे आपका जो ये जो लड़ने का तरीका था वो तरीका उचित नहीं लगा। ये लड़ाई थी मंथन का, मंथन का। अरे मैं उनसे बोल रहा था घंटे से, कोई बोला नहीं आप। अरे एक मिनट, कोई भी नहीं कह रहा मैं आपका समय लेने दिया रहा हूँ। अरे एक मिनट के लिए, ना यहाँ का एमएलए बनना है, राजनीतिक जय भाड़ में मुझे राणा पुंजा की मूर्ति वापिस लगनी चाहिए। मैं कोई सुंदरपुर से आया हूँ तो वागड़ का हूँ, ये बात गलत है। बिल्कुल सही है, मेवाड़ वागड़, ये क्या बात कहा आप लोगों ने। धन्यवाद, सही बात। हमारा ये होना चाहिए, हम आदिवासी हैं, भील हैं, यहाँ के भील का अंगूठा काटो, मेरे का अंगूठा काटो, खून एक जैसा होगा। इसलिए आप मेवाड़ वागड़ का मामला छोड़ दो। क्या बना रखा है ये मेवाड़ वागड़ का मामला। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो भाई अभी है, शायद गुर्जी नाम है उसका, गुर्जी नाम है ये कंप्यूटर मोबाइल वाला, उसके साथ में पुलिस ने मारपीट किया, उसका जवाब कौन देगा? उसका मामला सुनो रे, जो भी पुलिस वाले मारने वाले थे या तो माफी मांगे या उनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज करो। सही बात है, सही बात है, सही बात है। इसका फोन चल रहा है, मुकदमा जमा कर कंट्रोल में आ गए। फिर पुलिस वाले उनको ले गए और पीछे से लात घूसों से मारा। उस भील भाई की इज्जत का जवाब कौन देगा? अरे उनको मारने का तरीका किसने दिया? किसने दिया? खान में सबको बोलने की आजादी है, फिंगरप्रिंट राइट्स है। और वो आदमी ने बात करी गुर्जी ने, तो भाई सिपाही ने क्यों मारा, इसका जवाब भी हमारा समाज मांग रहा है। सही बात, भाई समाज मांग रहा है, समाज मांग रहा है सर। लेकिन हमारा काम पूरे देश भर में है, आप लोग कुंभलगढ़ के नहीं है, हम सब आदिवासी हैं, हम नारा लगाते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो फिर काय का नारा लगाते हैं झूठा? संगठन है वो अपने घर, राजनीतिक पार्टियों के झंडे हैं वो अपने घर, जहाँ समाज की मीटिंग होगी सारा चूल्हे में जला के आओ। जय हो। अगर ये किसने कह दिया मैं फलानी पार्टी का, मैं ठेकड़ी पार्टी का, मैं उस संगठन का अध्यक्ष, मैं उसका अध्यक्ष, साले हम लोग तो बट के ही मार दिए जाएंगे। सही बात है सर। कोई संगठन वाला बोलेगा मैं अध्यक्ष हूँ, दूसरा बोले ये संगठन वाले हमको नहीं जाना, तीसरा बोले नहीं जाना, कोई पार्टी वाला बोले मैं इस पार्टी का हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ, तो हमारे ये महापुरुष की पूर्ति कौन लगाएगा? सही, कौन लगाएगा? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, राणा पुंजा भील की मूर्ति के ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति करेगा समाज उसको देखे। राजनीति करने हम लोग नहीं आए हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से कुंभलगढ़ का इलाका है ये इलाका, हम लोग भी चाहते हैं कि पांचवी अनुसूची में पूरा आवे, यानी डीएसपी में आवे। जय हो। अभी केवल पांच गांव ही है। ये झंडा लेके दौड़ेंगे, ये दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, कोई मिलने वाला नहीं है, ठिंटन को पोल आ जाओगे। सही बात है, हम आपके साथ में कंधे से कार है। और ये राणा पुंजा भील की और हमारे भाई को जो आज कल पुलिस वालों ने मारा है, मैं निश्चित रूप से कहना चाह रहा हूँ विधानसभा में हमारे समाज से भेजे हुए दो एमएलए हैं, वो आवाज जरूर उठाएंगे। जय हो। और भाई कहीं से भी आए हैं,
कोई भिलवाड़ा से आया, मैंने पूछा कहाँ से आया, भिलवाड़ा से, कोई प्रतापगढ़ से आया है, कोई बांसवाड़ा से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई कोटड़ा उधर इलाके से आए हैं, तो उनके यहाँ सीने में आग जली है। सही बात, हमारे सीने में आग जली है और यहाँ कहते हैं ये भागड़ का, ये फलड़ा, ये ढेकड़ा, अरे यार मर जाना चाहिए हम लोगों को। सही बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, कोई नहीं है। अपन लोगों को अभद्र भाषा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इनका अंगूठा कटा वो कौन लगाएगा, ये देखो। सही बात है सर, ये अंगूठा कौन लगाएगा। और जो भी यहाँ बात हुई है वो बात सीआई साहब, डीपी साहब, समाज के ये पगड़ी वाले लोग और संगठन वाले लोग बैठो, लिखित रूप में अभी क्या भी लो, लिखित रूप में होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। मौखिक पर चले जाएंगे फिर कल कोई नहीं आने वाला है, कोई आने वाला नहीं है। यहाँ पे ये जो पगड़ी वाले हैं, हमारे पगड़ी वाले जितनी उम्र हो गई है 50 साल 60 साल, ऐसे 5 बुजुर्गों को बिठाओ, आप संगठन के लोग बैठो, पार्टी वाले लोग बैठो और जो लोग बाहर से आए वो बैठो, प्रशासन बैठे, लिखित दस्तावेज होना चाहिए। इतने दिन के अंदर हम महाराणा पुंजा की मूर्ति लगा देंगे, ये होना चाहिए। मौखिक बात हो गई, वहाँ बात हो गई, घर चले गए, यहाँ कोई लगाने वाला नहीं है, जितना भी है वो भी तोड़ दिया जाएगा। और दूसरा हम लोग ये कहना चाह रहे हैं आपको, कुंभलगढ़ के इलाके के लोगों को, कि ऐसा कौन सा बंदर है, उसकी कौन सी जाति है, वो कौन सा गांजा पी के आया था। उबरा उबरा खुद 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 सुनो, आप सब ये मजाक की बात नहीं है, मजाक में मत लेना किसी बात को। भाई अपन सब ये मूर्ति के लिए आए ना भाई, ये जो भी हादसा हुआ है ये सब सुनने और समझने के लिए आए हैं, बिल्कुल न्याय के लिए आए ना, शांति पूर्व एक बार पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, प्रशासन से भी बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्र से अलग अलग गांव से अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, यहाँ का तहसील अध्यक्ष कौन है, टोकला अध्यक्ष कौन है, यहाँ के अपनी भील समाज के नेता कौन है, अपन उनसे बात करेंगे, संतुष्टिपुर से भी बात करेंगे, पूछेंगे, छानबीन करेंगे, हो अल्लाह और झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। बेबुजुर्ग में एक बार किसी को भी कुछ नहीं कहना है।